अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं उजारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम बहुत ही मज़े के सेवरी मफिन्स बनाएंगे। मफिन्स बनाना सिखा चुकी हूँ, चॉकलेट के, प्लेन, बनाना नट के। आज हम जो बनाएंगे ना वो सेवरी हैं। सेवरी यानी नमकीन। इसमें हम सब्ज़ी डालेंगे, चीज़ डालेंगे। आपने देखना है, बनाना है, हमारे साथ रहना है, ठीक है। और हम एक बहुत ही मज़े के पिज़्ज़ा बर्गर्स बनाएंगे। आप देखिएगा किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या सॉस डलेगी, किस तरह असेंबल होगा। आपने पूरा घंटा हमारे साथ रहना है। पीर से जुमा शाम को 7 से 8 हमारा शो लाइव होता है। दूसरे दिन रिपीट में आप देख सकते हैं हमें सुबह 10 बजे और सुबह 3 बजे। आज मैंने सुना है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, फाइनली कराची में भी बारिश हो गई। लेकिन आई कॉन्ट सी दिस बारिश बिकॉज नॉट एक्सपीरियंस इट, बिकॉज अभी हम तो अंदर हैं स्टूडियो में, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करें और ये सारी रेसिपीज़ भी नोट करते जाइए साथ साथ, और बनाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीकेंड आ रहा है हमारा, ज़रूर इस पूरे हफ्ते की रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। मुझे मंडे को बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी और आप क्या ट्राई करेंगे, क्या बनाएंगे। और आपने अगर कोई वेरिएशंस के साथ मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हो, अपनी कोई चीज़ डाली हो, सब्ट्रैक्ट की हो, ओमिट की हो रेसिपी में से, तो ज़रूर वो भी मुझे बताइएगा। चलिए जी, मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा क्या क्या चीज़ें हैं। मैं मकई और मटर के साथ बना रही हूँ, ठीक है। मफिन्स को आप इसमें गाजर डालें, शिमला मिर्च डालें, एनीथिंग, ठीक है। एक कप हम मैदा लेंगे। छान के मैंने सारी चीज़ें यहाँ रेडी करके रख दी हैं। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। प्लीज़ ये वाले टीस्पून नहीं, हमेशा बताती हूँ, कटलरी सेट वाले टीस्पून हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। जो स्टैंडर्ड मेजरिंग स्पून होते हैं, मेजरिंग कप्स के साथ जो मिलते हैं सेट में, वो कांच के मिलते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं, सिलिकॉन के मिलते हैं, हर जगह हर चीज़ आजकल अवेलेबल है। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट है। फिर इसमें काली मिर्चें कुटी हुई जाएंगी। मुझे हमेशा पेपर पाउडर से ज़्यादा कुटी हुई अच्छी लगती हैं, तो टेक्स्चर भी आए, मुँह में भी आए, पता चले क्या है। फिर इसमें 1/2 कप हम मकई डालेंगे और इसी तरह हम 1/4 कप जितने ग्रीन पीज़ यानी मटर डालेंगे, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे धनिया चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून भर के। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों हैं यहाँ, 1/3 कप ये हम ऊपर से डालेंगे ताकि ऊपर से गोल्डन कलर भी आए और वो टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा जब आप बाइट करोगे इनटू दीज सेवरी मफिन्स। अंदर ये है नमकीन और सब्ज़ी वाले, ऊपर से चीज़ी। और 1/2 कप इसमें दूध जाएगा, 1/4 कप ये है, 1/4 कप देखें, अगर आप और से देखेंगे तो यहाँ आपको 1/4 कप और 60 मिलीलीटर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारे कप्स आपको मिल जाते हैं। इसमें हम सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं ताकि 1/4 कप का मेजर हो जाए। UHT ट्रीटेड, नो कोलेस्ट्रॉल, प्रेस एंड पॉट टेक्नोलॉजी का। ये 3 लीटर का पाउच घर लाइए, खरीदिए, इस्तेमाल करिए। ओके, अब सारी चीज़ें हमने मिक्स कर देनी है एक ही दफ़ा में और आप इसको बेक करने रख दीजिए। तो मैं 1 कप मैदा डालती हूँ, उसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, ठीक है जी। फिर उसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। फिर हरी मिर्चों का पेस्ट है इसमें 1 टीस्पून जितना, ज़्यादा कोई हमने इसको स्पाइसी नहीं करना है, अच्छा जी। फिर इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें ज़रा चुटकी भर। अच्छा, अगर आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालना चाहें यू कैन डू सो, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस मेजरिंग जो चीज़ें हैं, जो मेजरमेंट की हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा वगैरह, उसका मेजरमेंट आप प्लीज़ चेंज नहीं करिएगा। ओके, इसको हम मिक्स करते हैं। साथ साथ हम इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे, वो भी हम साथ में मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मकई है, टिन में से निकाल के उसका जो लिक्विड होता है वो निकाल दीजिएगा। मटर हैं, उबले हुए हैं, ठीक है। और किसी ने मुझे उस दिन पूछा था कि मैंने मटर इतने मेरे ग्रीन कैसे रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे मटर ला के छील के उनको गर्म पानी में डाल के फ़ौरन निकाल दीजिए। चाहें तो चुटकी भर सोडा डालें उस पानी में, चाहें तो चुटकी भर उसमें चीनी डालें और फिर उसको छान लीजिए, ठंडा, बिल्कुल ठंडा करिएगा। फिर छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दीजिएगा, पूरा साल अच्छे रहते हैं और पूरा साल ऐसे हरे रहते हैं। इसमें हम धनिया डालेंगे, मुझे और धनिया वहाँ है मेरे पास, ये धनिया चला गया 2 चमचे भर के। फिर इसमें हम डालेंगे ये 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन है, ये फीका अनसॉल्टेड नहीं मैंने यूज़ किया है, इसलिए कि ये तो है ही सेवरी मफिन्स, राइट। अच्छा, फिर इसमें हम ये सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम दूध डालेंगे। दूध मैंने इसलिए अभी नहीं डाला है, इसलिए कि आई वॉन्ट कि पहले मैं
पूरा मिक्सचर बैटर सेवरी मफिन्स का रेडी कर दूँ और फिर मैं इसमें दूध डालूँ। रिपीट कर देती हूँ, मैंने इसमें मैदा डाला, बेकिंग पाउडर डाला, नमक डाला, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, धनिया चॉप किया हुआ डाला, मकई, मटर और ऑलिव ऑयल डालना चाहें ऑलिव ऑयल डालें। मैंने सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला है, पिघला हुआ मक्खन, दो अदद अंडे और दूध, ये देखें। और मफिन का जो बैटर होता है ना, बस उसको एक ही दफ़ा मिक्स करा करें। आई डोंट थिंक आई विल इवन नीड माई क्या कहते हैं इसको, मशीन आज, क्योंकि ये बस रेडी है। इसमें हम दूध डालेंगे पहले थोड़ा सा, फिर मिक्स करेंगे। चीज़ अंदर डालना हो डालें, लेकिन मैं आज चीज़ सिर्फ ऊपर से डालूंगी। देखा जी, डन। अब आपको ज़रूरत भी नहीं है और मज़ीद दूध की, इसीलिए आई ऑलवेज़ वेट और दूध में हमेशा एंड में डालती हूँ। टिन को ले आते हैं, यहाँ कपकेक केसेस हैं मेरे पास, इसलिए कि मफिन टिन मेरे पास नहीं है। अगर आपको कहीं से मिल जाए, बाहर कोई जा रहा हो, आपको कुछ मंगाना हो, तो मफिन का टिन मंगाइएगा, वो डीप होता है, ठीक है। चलें इसमें हम भर लेते हैं। फिर सब पे थोड़ा थोड़ा चीज़ डालेंगे, चीज़ को भी मिक्स कर देंगे ताकि चेडर मोज़रेला दोनों चीज़ साथ आ जाए। ये देखें, थोड़ा थोड़ा आप भरिए, जगह छोड़िए चीज़ के लिए भी, जगह छोड़िए इसको राइज होने के लिए भी। आपने शायद कभी इस तरह के मटर और चीज़ और मकई के कपकेक्स नहीं खाए होंगे। मैं गाजर के भी कपकेक्स नहीं, मफिन्स, मैं गाजर के भी सिखा चुकी हूँ और वनीला के, बनाना के, बहुत सारे ब्रेकफास्ट वाले भी सिखा चुकी हूँ मफिन्स। अलग अलग चीज़ें ट्राई किया करें ताकि आपके भी टेस्ट बड्स डेवलप हों, आपको भी पता चले कि भाई क्या क्या चीज़ें और बन सकती हैं। और देखें अज्जा क्या हैं, वही हैं जो हमारे घर में होते हैं, सबके घरों में कोई नई चीज़ है ही नहीं। वन और टू बन जाएंगे उस ट्रे के, हम बना देते हैं। मैं कोई भी चीज़ ज़ाया करने में नहीं बिलीव करती हूँ, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, एक ट्रे को तो हम रख देते हैं, तो मैं दिखा दूँ नाज़रीन को कि मैं क्या करूँगी। ये चेडर चीज़ है और ये मोज़रेला है, इस तरह थोड़ा थोड़ा चीज़ रख के हम फिर इसको बेक करने रख देंगे। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम दोनों ट्रेस को रख चुके होंगे ताकि उनको टाइम मिले बेक होने के लिए, और फिर हम आएंगे पिज़्ज़ा बर्गर्स बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़, ओनली ऑन मसाला टीवी। सेवरी मफिन्स, इंग्रेडिएंट्स: 1 कप फ्लावर, 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश कोरिएंडर चॉप्ड, 1/2 कप कॉर्न, 1/4 कप बॉयल्ड ग्रीन पीस, 1/3 कप ऑफ ग्रेटेड मोजरेला चीज, 1/3 कप ऑफ ग्रेटेड चेडर चीज, 1/2 कप मिल्क, 1/4 कप ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर एंड 2 eggs। Savory muffins. Ingredients: 1 cup flour, 1.5 teaspoons of baking powder, 1/2 teaspoon salt, 1 teaspoon green chili paste, 1 pinch of black pepper, 2 tablespoons of fresh coriander chopped, 1/2 cup corn, 1/4 cup boiled green peas, 1/3 cup of grated mozzarella cheese, 1/3 cup of grated cheddar cheese, 1/2 cup milk, 1/4 cup olive oil, 2 tablespoons melted butter and 2 eggs. वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फूड डायरी। सेवरी मफिन्स दोनों टिन्स अवन में जा चुके हैं। एक बार फिर रिकैप कर दूं, अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है और आप बारिश एंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी से रेसिपी भी नोट कर दीजिएगा। 1 कप मैदा लिया था, छान के एक बोल में डाल दिया था, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, वो भी छान के इस्तेमाल करिएगा, 1/2 टीस्पून नमक डाला था हमने, 1 टीस्पून भर के हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था, कुटी हुई काली मिर्चें हमने चुटकी भर डाली थी, मकई 1/2 कप था, 1/2 कप से थोड़ा, 1/2 कप ही मैंने मटर भी इस्तेमाल किए थे, 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया था चॉप किया हुआ, और मैंने इसमें 2 अदद अंडे डाले हैं और 2 चमचे पिघला हुआ मक्खन डाला है, पीला वाला, ठीक है।
नमकीन वाला, और मैंने इसमें एक चौथाई कप सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला था। लिखा मैंने आधा कप दूध है, लेकिन मैंने एक चौथाई कप जितना दूध डाला था। दूध हमेशा एंड में डालते हैं, मिक्स कर दीजिएगा, ज़रूरत पड़े